हेलो, मैं लव कुमार सिंह। मैं आपको 2 मिनट में बड़ा शॉर्ट तरीके से और बड़ा जल्दीबाजी में क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करता हूँ, वो भी 4 क्वांटम नंबर को। ज़रा ध्यान से देखिए। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से। ये सेल के बारे में बताता है, जैसे के एल एम एन बराबर अगर 1 होता है, 2, 3, 4, तो के एल एम और एन कहते हैं। इस प्रकार से एन का वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो साइज भी एटम का बढ़ता है। ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। दूसरा, ऐसे मुतल क्वांटम नंबर डिनोट किया जाता है स्मॉल एल से। स्मॉल एल का वैल्यू होता है 0 to n-1। ये किसी भी सेल में ऑर्बिटल के बारे में बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल। जैसे के सेल के लिए निकालेंगे तो यहाँ एन का वैल्यू आपको 1 रखना पड़ेगा, तो 1-1=0 आ जाएगा। तो के सेल के लिए एल का वैल्यू 0, एल सेल के लिए एल का वैल्यू 0 और 1, एम सेल के लिए यहाँ पुट करिए 3, तो 3-1 तो 2, 0 से लेकर के 0, 1 और 2, फिर एन सेल के लिए 0, 1, 2 और 3। इस प्रकार से जो एल का वैल्यू आता है 0, 1, 2, 3, ये सब सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एस हो गया, ये पी हो गया, ये डी हो गया और ये एफ हो गया। तो एल का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है सब सेल को। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल की अगर बात करें तो 2n² होता है। और इसी प्रकार मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल में अगर बात करें तो 2 × 12 + 1 होता है। इसी प्रकार अगर इसके ऑर्बिटल्स की बात करें तो n² हो जाएगा, और इसके ऑर्बिटल्स की बात करें तो 12 + 1 हो जाएगा। ये एजमुथल क्वांटम नंबर है। और हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। ये स्मॉल m का वैल्यू होता है -L2+L। दूसरी बात यह है कि ये शेप ऑफ ऑर्बिटल किसी भी सबसेल में बात करता है। और जैसे SPS के लिए एल का वैल्यू 0 होता है, तो देयर फोर m = -L2+L हो गया, तो 0 हो गया। P के लिए एल का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए -1, 0 और +1। इसीलिए P में 3 डिब्बा होता है, एक PX होता है, एक PX, PZ और PY। इस प्रकार से सबसेल में शेप ऑफ ऑर्बिटल के बताने वाले का नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और उसके बाद हम लोग डी में बात करते हैं। L = 2 रखेंगे तो 5 आएगा, 5 डिब्बा होता है इसमें। फिर अगर L = 3 रखेंगे तो 7 आता है, 7 डिब्बा होता है। इस प्रकार से इसका ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला है 12+1। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ऑर्बिटल निकल जाएगा। स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बताया गया है कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है 2 डायरेक्शन में होता है, एक क्लॉकवाइज होता है तो दूसरा आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक को +½ कहेंगे तो दूसरे को -½, अगर इसको -½ तो इसको +½ कहेंगे। इसीलिए हम लोगों को अगर एक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक +½ होगा और एक -½ होगा। इस प्रकार से यहाँ टोटल स्पिन 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वांटम नंबर था। थैंक यू सो मच।